अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है चेकिंग के हवाले से। सभी जगहों पर अभी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और ख़ास करके उन लोगों की चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है जो लोग शराब वगैरह सब स्मगलिंग वगैरह करते हैं किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी जो है कुछ जगहों पर शराब के कारखाने पकड़े गए हैं और जो उनमें प्रवासी लोग काम करते हैं उनको भी गिरफ्तार वगैरह किया गया है। तो इस चीज को भी आपको खास करके ध्यान देना है और इस तरीके का कामकाज जो भी कर रहे हैं उनको छोड़ दिए और सही तरीके से अपना कामकाज कीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं कहीं पर भी ना आए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के बूस्टर डोज को लेकर आ रही है। अब सभी लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा क्योंकि कुछ नए रूल रेगुलेशन जो है ऐलान किया गया है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से और एक बड़े जो ऐलान किया गया है इनको आपको जान लेना है। जितने भी 50 साल से उम्र ज़्यादा लोग हैं तो उनको बिना रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं पे भी जाएं, वैक्सीन वगैरह ले लें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जितने 50 से कम वाले हैं उनको भी वैक्सीन लेना ज़रूरी है और उनको जो है रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। और ये सख्ती के साथ कहा गया है कि जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जो है वैक्सीन ले लें ताकि आने वाले वक्त में जो भी ओमिक्रॉन वगैरह चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे लोग बच जाएँ और किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आप लोगों को ना हो। प्रवासी हों, कुवैती हों, कोई भी हों, सबके लिए ये सारी चीज़ जो है लागू की जा रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये न्यू ऐलान किया गया है। चाहे वो कुछ कंट्रियाँ इन्होंने बताई हैं कि इन कंट्रियों में आप जाने से रुकें और अगर उनमें हैं तो इनमें से जल्दी जो अपने देश वापसी लौट जाएं। जब मैं आपको बताना चाहूँगा यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली वगैरह इन कंट्रियों से सभी कंट्रियों को कुवैत ने जो है मना किया गया है कि इन कंट्रियों में लोग सफ़र ना करें। हो सकता है आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ी तो इन कंट्रियों की फ़्लाइट को जो है वो बैन कर दिया जाए या फिर और भी कोई चीज़ जो है लागू कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं और सफ़र वगैरह करना चाहते हैं किसी भी कंट्री का तो थोड़ा ध्यान रखें, रूल रेगुलेशन जो भी हैं उनको फॉलो करते रहें और किसी भी तरीके से आप तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और कहीं पर भी सफ़र करना चाहते हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो कीजिए और इन कंट्रीज से बचिए जिन कंट्रियों को कुवैत गवर्नमेंट ने कहा है, सारी चीज़ों को बताया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जिस चीज़ के बारे में जारी किया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।